वेद संदेश से जुड़े सभी मित्रों को नमस्ते। मानव जीवन की कहानी सुनाते हुए मैंने सबसे पूर्व शरीर की बात कही, कहा कि इस स्वास्थ्य को उत्तम रखो और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक तो प्रातःकाल उठो, सूर्योदय होने से पूर्व और उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करो। सूर्य का एक नाम सविता भी है, सविता नाम ईश्वर का भी है। गायत्री मंत्र का देवता भी सविता है। सविता का अर्थ है जागृत करने वाला, प्रेरणा देने वाला, शक्ति देने वाला। सूर्य को भी इसीलिए सविता कहा गया कि सूर्य न हो तो आंखें देख नहीं सकती, कुछ भी हो नहीं सकता। इसी सूर्य की किरणों में प्रभात के समय शक्ति होती है कि यह मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले उन कीटाणुओं को नष्ट कर दे जो रोगों को जन्म देते हैं। यह बात केवल मैं नहीं कहता, स्वयं वेद भगवान भी कहता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त में 3 मंत्र आते हैं, तीनों सूर्य के संबंध में हैं। 11वां, 12वां और 13वां मंत्र। पहले मंत्र में प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करने वाला कहता है, हे सूर्यदेव, तुम्हारी किरणों से मेरे हृदय के रोग दूर हो रहे हैं। दूसरे मंत्र में कहता है, हे चमकते हुए देवता, तेरी लाल किरणों से मेरा पीलिया दूर हो रहा है। तीसरे में कहा है, हे भूषण मार्तंड, तेरे दर्शन से मेरे शरीर और मन की निर्बलता दूर हो रही है। यह है प्रातःकाल सूर्य दर्शन का लाभ। इसलिए मैंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पूर्व सूर्य का दर्शन करो। दूसरी बात मैंने ये बताई कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने आहार को उत्तम बनाओ। लाल पीली मिर्ची मत खाओ, चाय के चक्र में न पड़ो, बहुत मसाले न खाओ, सात्विक भोजन करो। यदि स्वाद की इच्छा है तो स्वाद वाला भोजन भी खाओ, परंतु स्वाद के पीछे पागल न हो जाओ। इसके लिए अपने स्वास्थ्य को नष्ट न कर लो, स्वाद से स्वास्थ्य अधिक आवश्यक है। तब स्वास्थ्य को ठीक रखने का तीसरा उपाय मैंने बताया कि अपने मन को प्रसन्न रखो, हर समय जलते और खींचते न रहो, प्रसन्न रहो, खुशहाल रहो, प्रसन्न रहो। और फिर मन की यह प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, इसका उपाय भी मैंने आपको बताया। सबसे पहला यह है कि दूसरे के दोष न देखो, त्रुटियां न गिनो, गुणों की प्रशंसा करो। त्रुटियां तो प्रत्येक मनुष्य में हैं, सब गुण किसी में होते नहीं। जिसमें जो गुण हैं उसकी प्रशंसा करो। सब गुण तो केवल भगवान में हैं, केवल वही त्रुटियों और दोषों से रहते हैं। शेष संपूर्ण संसार की दशा तो यह है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन देखा अपना, मुझसा बुरा न हो। यह मन है बार बार मैल में धूल में लिपट जाता है, उसे स्वच्छ करने का साधन क्या है? यह नहीं कि संसार भर के दोषों, निर्बलताओं, त्रुटियों को स्मरण करके इसे घृणा और द्वेष से भर दो। स्मरण रखो, ऐसा करोगे तो ये दोष, त्रुटियां और निर्बलताएं शनह शनह तुम्हारे मन में घर करके बैठ जाएंगी। मन को पवित्र करना है तो सबसे पहली और आवश्यक बात यह है कि इसमें बाहर की गंदगी ना आने दो। दूसरे के गुण देखो, अवगुण नहीं।
माना के तुम बड़े सुधारक हो, संसार का सुधार करने के लिए बेचैन हो गए हो, हो जाओ निश्चित रूप से, परंतु पहले अपना सुधार तो कर लो। दूसरों के घर में प्रकाश करने जाते हो, पहले अपना घर का बुझा हुआ दीपक तो प्रकाशित कर लो। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न करने के लिए दूसरी आवश्यक बात है कर्मशील होना, निरंतर कर्म करते रहना। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिचि विशेष छतम समा एवं त्वये नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करो, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, परंतु देखो इस प्रकार कर्म न करो कि कर्म तुमसे लिपट जाए या तुम कर्म से लिपट जाओ। यह बात कैसे होती है, न कर्म लिप्यते नरे, इसका वर्णन करते हुए मैंने आपको बताया कि कर्म 4 प्रकार का है, एक अकर्म, दूसरा कर्म, तीसरा विकर्म, चौथा सुकर्म। अकर्म अर्थात अपने लिए किया हुआ कार्य जिससे दूसरों को लाभ होता है न हानि होती है। कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ कार्य। विकर्म दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला कार्य, और सुकर्म वह कार्य जिससे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर उठता है। प्रायः जैसे हम कर्म करते हैं, इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी समय रह नहीं सकता। सुकर्म विकर्म और कर्म नहीं होगा तो भी अकर्म तो होता ही रहेगा। सो जाइए, गाढ़ निद्रा में खो जाइए, फिर भी श्वास तो चलेगा, यह भी कर्म है। अकर्म किसी का कर्म, कर्म से छुटकारा जीवन में तो कभी मिलता नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कितने ही दार्शनिक तत्व, कितना ही ज्ञान बता चुके, तो अर्जुन ने कहा, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससे यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण महाराज, आप कभी कर्मों के संन्यास की अर्थात उन्हें त्याग देने की बात कहते हैं, फिर निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं। आपकी इन बातों से मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि निश्चित कल्याण करने वाली बात क्या है। श्री कृष्ण ने अपने सखा और शिष्य की दुविधा को देखकर 2 टूक बात कही। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस् करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सुनो अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में अधिक कल्याण करने वाला है कर्मयोग। कर्म ही बड़ा है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। परंतु यह भी तो झमेले की बात है। एक ओर हम कहते हैं कि कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, कर्मयोग ही कल्याण करने वाला है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, और उसके साथ ही कहते हैं न कर्म लिप्यते नरे। नर को, मनुष्य को कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। परंतु स्मरण रखिए, यह बात नर के लिए कही गई है, साधारण मनुष्य के लिए नहीं। कठोपनिषद में नर की परिभाषा करते हुए कहा, विज्ञान सार्थयस्तो मन प्रग्रह वानर सो अद्वन पारमी नाति तत् विष्णु परम पदम। विशेष ज्ञान जिसका सारथी है, जिसने मन की लगाम पकड़ी है, वह नर है। यह नर मार्ग के उस अंत को पहुंचता है जो विष्णु परमात्मा का परम पद है। फिर नर शब्द की निरुक्ति यह की गई,
नैति इति नर, जो दूसरों का प्रदर्शन करता है वह नर है। अब सोचिए कि मार्ग कौन दिखाएगा जो स्वयं इस मार्ग पर हो आया है। मैं गंगोत्री से हो आया हूँ, मुझसे पूछिए, मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। परंतु जो गया ही नहीं वह किसी दूसरे को मार्ग कैसे बताएगा। इस प्रकार नर की एक और परिभाषा भी है, नरमते इति नरः, अर्थात जो इंद्रियों में रमता नहीं, उनका दास नहीं बनता, उन पर नियंत्रण रखता है, वह नर है। ऐसे नर को भी कर्म तो हर समय करना पड़ता है। मुंडक उपनिषद में ऋषि ने उपदेश दिया, यदि अमृत पाना चाहते हैं और ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। कुछ लोगों का विचार है कि कर्म त्याग ही मुक्ति का साधन है। कर्म से लिप्त न होने का अर्थ है कि मनुष्य कर्म ही न करे, परंतु यह बात तो स्वार्थ सर्वथा अशुद्ध है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी वेद में कर्म छोड़ देने की बात कभी कही ही नहीं गई, अपितु कर्म करने की और आगे बढ़ने का ही आदेश शास्त्रों में दिया गया है। ओम शांति।